बेटा जल्दी करो, कब से हॉर्न बजा रहा है? ज्यादा इंतजार नहीं करा उसे, वरना नाराज हो जाएगा। तौबा अम्मी, अब इतनी इतनी सी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा हमें? रखना पड़ता है बेटा, जब बेटी का मामला हो ना तो जायज नाजायज हजार बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जल्दी करो। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह अम्मी, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। पहले मुझे पप्पो के घर चली जाती थी और अब आप ही के घर। भाई अम्मी, मैं ही अकेले रह जाती। अम्मी सलाम अलैकुम बासु भाई। वालेकुम अस्सलाम। चले तो सुनो, यहाँ आगे एक बहुत ही अच्छा आइसक्रीम पार्लर है, अगर तुम कहो तो वहां चल के आइसक्रीम ला दे। नहीं थैंक यू। अरे क्यों, तुम्हें तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। लेकिन अभी दिल नहीं चाह रहा। चलो फिर आज रात को आते हैं, आई एम श्योर तुम्हें यहाँ की आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं अपनी इस खुशी को मुस्तकिल बनाऊं। जी कुछ है? पी कोई है? आपी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिशी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अकेली आई हो? नहीं, बासिल भाई के साथ आई हूँ। बासिल के साथ? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? उन्होंने मुझे बताया ही नहीं। बेगम साहिबा, क्या हो गया? अब इतनी सी बात के लिए क्या मुझे आपकी इजाजत की जरूरत है? आखिर साली है ये मेरी, आधी घरवाली है। इतना तो हक बनता है कि अपने साथ घर लेके आऊं। यार एक्चुअली आंटी की कॉल आई थी, मुझसे कह रही थी मेरी बेटी इतनी बीमार है उसको मेरी तरफ भेज दो। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो अपनी बीवी को इस हालत में कहीं नहीं भेज रहा हूँ, अगर आपको उसका इतना ख्याल है तो आप भेज देना मेरे साथ किसी को। तो उन्होंने मशल को भेज दिया और मैं इसे ले आया। क्या हुआ, इसमें इतना हैरान होने की क्या जरूरत है? अम्मी अकेली है। अरे उमायमा है ना उनके पास, एग्जाम्स हो रहे हैं उसके और वो घर के काम नहीं करती। अच्छा घर में काम वाली तो आती है, जब वो आ जाएगी तो तब तो अम्मी अकेली नहीं होंगी। और तुम तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे मैं मशल को सारी जिंदगी के लिए घर ले आया। अगर तुम्हें इतना मसला है तो ठीक है, मैं इसको वापस ले जाता। चलो आओ मशल, मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। बासे भाई क्या हो गया? आपी मेरी बात तो देखा तुमने, देखा ये इस तरह बिहेव करती है मेरे से ऐसे, बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम आ गई हो ना यहाँ पर तो तुम समझाना है इसे। मैं बात करती हूँ आप इसे।